Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSylvi. आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो पे अटेंटिव, पे नॉट मिस, लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, यहाँ पे आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। मैं इस स्लाइड पे आंसर क्यों नहीं देता हूँ, ताकि आप एक अटेम्प्ट ले सकते। फर्स्ट यू ट्राई टू आंसर। सो फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे आप इस आंसर के साथ मेरे आंसर मैच करेंगे। सो देखेंगे क्या होता है। अगर आप सही है, सो इट्स वेरी गुड। इफ यू आर रॉन्ग, देन ट्राई टू मॉडिफाई इट। ओके, सो डिटेल एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू, सो दैट यू विल बी राइट ऑलवेज। सो देखिए पहले क्या लिखा गया। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है डिफरेंट डिफरेंट परमिसेबल लेवल। आप बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड लेवल दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूटेंट्स का, विच आर अवेलेबल इन ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कौन से पर्टिकुलरली पूछा गया है क्लोराइड लेवल का। सो यहाँ पे देखिए क्लोराइड का कितना आना चाहिए। देखिए एक की फीचर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि जैसे कि एयर में सबसे ज्यादा क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है आप बोल सकते हैं। सो उसका परमिसिबल लेवल या फिर थ्रेशोल्ड लेवल ज्यादा होगा जो बहुत ही रेयर है। ओके, जैसे कि आप बोल सकते हैं आर्सेनिक और बहुत ही पॉइजन है, तो उसका परमिसिबल लेवल बहुत ही कम होगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे क्लोराइड्स ड्रिंकिंग वाटर में बहुत ही कॉमन नहीं पाया जाता है, पर स्टिल परमिसिबल लेवल एक होगा ना, थ्रेशोल्ड लेवल एक होगा। सो यू ट्राई टू आंसर। देखिए मैं तो यही बताऊंगा कि 100 200 को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि क्लोराइड इज अ वेरी कॉमन थिंग इन ड्रिंकिंग वाटर। वाटर में क्लोराइड मिलेगा ही मिलेगा। सो जो कॉमन है आपको पता चल गया होगा क्लोराइड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आपको मिलता है सी वाटर में, सॉल्टी वाटर में, उसी तरह क्लोराइड मिलता है। पर सो जस्ट एलिमिनेट ए एंड बी, ये होता है तरीका। अगर आपको पता नहीं पर्टिकुलर डाटा या फिर कुछ पता नहीं ना, तो गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। सो इन दिस वे वी कैन रिमूव। देन आप ट्राई टू आंसर कीजिए, आंसर देने के लिए कोशिश कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं डिटेल में समझा लूं। विल्टिंग कोफिशियंट ऑफ एलोम रिप्रेजेंट। देखिए ये सॉइल साइंस से लिया गया है सवाल, ये तो एनवायरमेंटल हमारे जो पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन से लिया गया है, ये सॉइल साइंस से लिया गया है। सो विल्टिंग कोफिशियंट ऑफ एलोम रिप्रेजेंट, विल्टिंग कोफिशियंट क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है, डिटेल में हम देखेंगे। यू ट्राई टू आंसर ये। विल्टिंग कोएफिशिएंट में होगा कि द मिनिमम वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एट टू व्हिच प्लांट्स कैन नो लॉन्गर अपटेन वाटर। देखिए विल्टिंग का अर्थ ही है सूख जाना। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मींस वो रिकवर नहीं कर पाएगा, परमानेंटली विल्टिंग हो गया। ओके, सो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कुछ कुछ, मैं डिटेल में देखूंगा। कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो कि प्लांट के लिए एक्चुअली अवेलेबल होता है, वही होता है कैपिलरी वाटर, जो कि प्लांट इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है। ओके, सो अदर ऑप्शंस आल्सो आई विल एक्सप्लेन, सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। सो आंसर इज 6 मिलीग्राम पर लीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 600 मिलीग्राम पर लीटर। जैसे कि मैंने बोला था क्लोराइड बहुत ही कॉमन है, सो थोड़ा सा ज्यादा होगा, 600 मिलीग्राम पर लीटर होता है परमिसेबल लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल इन वाटर। ओके, याद रखिए ये अकॉर्डिंग टू WHO। पर इंडिया के केस में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये जो 600 मिलीग्राम पर लीटर ये चेंज है, ये डिफरेंट है क्लोराइड का। आप देख सकते हैं 250 तो डिजायर है, पर इंडिया के केस में बहुत ही ज्यादा क्लोरीन मिलता है, बहुत ही ज्यादा क्लोराइड मिलता है इन वाटर। दैट्स व्हाई हमारे परमिसेबल लिमिट थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू WHO। सो इट्स अराउंड 1000 मिलीग्राम पर लीटर। सो वैसे आपको कैसे कैसे चीजें याद रखना है, देखिए मैं बता देता हूँ। मैंने बोला था आर्सेनिक एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, आर्सेनिक तो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। As arsenic is a poisonous substance, so that's why the threshold limit or permissible limit is very less in water. Okay? Then aluminum also poisonous, that's why 0.2 permissible limit. Fluoride also poisonous because due to fluoride injury na aapka teeth mein symptoms aa jata hai, teeth brown color par jata hai, teeth decay ho jata hai, so ye sare ke sare cheez hota hai fluoride ki wajah se.
दैट्स व्हाई फ्लोराइड का भी 1.5 है, और नाइट्रेट कॉमनली थोड़ा थोड़ा मिलता है, क्लोराइड तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसलिए इनका परमिसिबल लिमिट थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। ओके, और जो एक्स्ट्रा सवाल था, जो था हमारे विल्टिंग पॉइंट का, वो आंसर ए होगा, ऑप्शन ए होगा आंसर। ओके, सो डिटेल में जानेंगे ना, ये तो हो गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग। अगर WHO की अकॉर्डिंग और कुछ पूछा जाता है, WHO अकॉर्डिंग अगर क्लोराइड पूछा जाता है तो 600 तो आप क्लिक कर देंगे, दैट्स आई नो, बट अगर कुछ पूछा जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू WHO, जैसे कि मैंने बोला कि क्लोराइड का 600 मिलीग्राम पर लीटर, पर अदर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जैसे कि आर्सेनिक मैंने बोला बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, सो इसलिए 10 माइक्रोग्राम दिया गया है। देखिए ये सारे के सारे यूनिट माइक्रोग्राम के है, ओके याद रखिए माइक्रोग्राम। बोरोन 2400 माइक्रोग्राम, ये नहीं आएगा। देखिए फ्लोराइड आ सकता है, फ्लोराइड मैंने जैसे कि बोला कि 1500 माइक्रोग्राम। सो इसको रिलेट कीजिए, हमारे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड था वो कितना था, इसे ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। जो माइक्रोग्राम होता है ना वो 10^-6 होता है, ओके, और जो मिली हमने देखे वो होता है 10^-3। सो इसका मतलब इसमें आप 10^-3 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये मिलीग्राम में आ जाएगा। सो अगर मिलीग्राम में इसको हम देखेंगे सो होगा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। सो फ्लोराइड का सेम है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर अकॉर्डिंग टू WHO या फिर अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोथ आर सेम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ देखिए, उसके बाद हम सॉइल साइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला आपको कि तीन तरह के वाटर अवेलेबल होते हैं, पहले देख लीजिए सैचुरेशन, फील्ड कैपेसिटी, देन विल्टिंग पॉइंट। अगर सैचुरेशन क्या होता है, जब सॉइल कोलोइडल्स में या फिर सॉइल पार्टिकल आप बोल सकते हैं वाटर ऑलरेडी अब्सॉर्ब होगा, एक्स्ट्रा वाटर निकल रहा होगा, देखिए एक्स्ट्रा वाटर फॉल डाउन हो रहा है, सो दैट्स ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉइल, आप बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल। जो सॉइल पोर्स है, सॉइल पोर्स ऑलरेडी हैविंग वाटर, सो ग्रेविटेशनल वाटर इज लॉस्ट, सो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल वाटर फॉल डाउन हो रहा है, तो वही होता है सैचुरेटेड सॉइल। फील्ड कैपेसिटी क्या है, फील्ड कैपेसिटी इज द आइडियल कंडीशन फॉर सॉइल। देखिए जो वाटर है, सॉइल वाटर, वो पोर में फिट है, ना एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हो रहा है ना उसे और वाटर चाहिए, सो दैट्स वी कैन से फील्ड कैपेसिटी आइडियल वाटर कंटेंट इन सॉइल। ओके, नेक्स्ट आता है विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट दो तरह का होता है, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है ना, तो एक टेम्पररी के लिए वाटर सारे के सारे लॉस्ट हो जाता है, तो ओनली सॉइल पार्टिकल्स, यहाँ पे देखिए सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पोर में वाटर नहीं है, ओनली सॉइल पार्टिकल्स आर देयर। बट इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पूरे के पूरे वाटर लॉस हो जाएगा, वो रिकवरी नहीं कर पाएगा वो प्लांट पूरी की तरह पर खत्म हो जाएगा। तो ये होता है थ्री कंडीशन, आप बोल सकते हैं सॉइल वाटर का थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशन। पर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वाटर की बात कर रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल वाटर, जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो रहा है, तो वो होता है ग्रेविटेशनल वाटर। अगर ये वाटर थोड़ा सा कमेगा तो फील्ड कैपेसिटी, ये वाटर रिड्यूस होना चाहिए फील्ड कैपेसिटी, उसके बाद होगा जो कि कैपिलरी वाटर, जो वाटर को हम बोलेंगे कैपिलरी वाटर इज द वाटर विच इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स एंड विच इज स्टोर्ड इन सॉइल पोर्स, और ये सिचुएशन को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी वाला सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन आप बोल सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जब वाटर ही नहीं है पोर्स में, बहुत ही लिमिटेड पोर्स है, बहुत ही लिमिटेड वाटर अवेलेबल है पोर्स के अंदर, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर आप बोल सकते हैं, ये वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, मतलब प्लांट इज इन विल्टिंग कंडीशन आप बोल सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल है सॉइल में, पर वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक है, इट इज ऑलरेडी बाउंडेड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्लांट्स इज इन विल्टिंग कंडीशन। सो देख सकते हैं कौन सा वाला रिलेटेड है, कौन सा सिचुएशन से कौन रिलेटेड है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर से रिलेटेड है विल्टिंग पॉइंट, कैपिलरी वाटर से रिलेटेड है फील्ड कैपेसिटी, और ग्रेविटेशनल वाटर से रिलेटेड है सैचुरेटेड सॉइल। सो देखिए यहां से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में कर दिया हूं, डिटेल चीज आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। व्हिच आर द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ कैडमियम इन सॉइल। देखिए कैडमियम इन सॉइल पूछा गया है, ओके, तो
यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप इसको यूज कर सकते हैं, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसको आप यूज कर सकते हैं, XRD इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ, छोड़िए, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ओके, IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप यूज कर सकते हैं, सो एनी ऑफ दिस यू शुड नो दैट यूजेस ऑफ दिस एवरी इंस्ट्रूमेंट बिकॉज दिस टाइम क्या आया सवाल वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट क्या आ सकता है, सो कुछ भी आ सकता है, किसी से भी सवाल वो फ्रेम कर सकते हैं, सो यू शुड नो ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट इन डिटेल, ओके, सो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आई विल गिव यू सम हिंट दैट कैडमियम इन सॉइल, ये भी सॉइल साइंस से लिया गया है, कैडमियम इज ए मेटल, ओके, पहले हम सॉइल में मेटल को डिटरमाइन करते हैं, कितना मेटल अवेलेबल है सॉइल पे वो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूँ, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम यूवी लाइट का यूज करते हैं, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसमें भी हम एटॉमिक एनर्जी का ऐसे नहीं बोल सकते, पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको पता है ना, स्पेक्ट्रल एनालिसिस हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देन ग्राउंड स्टेट में लेते हैं, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन become excited and it returns to ground state, it emits some energy, some wavelength, so that we can catch and that we can analysis. Then XRD, X-ray का हम use करते हैं, IR में infrared का हम use करते हैं, so you try to answer, इसलिए मैंने answer को next slide पे दिया है, not in this slide, okay? इतना सारा details देने के बाद, I hope कि आपको ये आ जाएगा. For noise control in automobiles, okay? Automobiles में noise control करने के The exhaust muffler attenuates sounded by. ये बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं बताऊंगा, but you try to answer. Absorption, destructive interference, reducing velocity of hot gases, absorption and destructive interference. Automobiles में noise control के लिए जो muffler दिया जाता है, muffler, okay, muffler तो पता ही है ना? The answer you can see answer B and answer C answer B जो कि होता है क्या atomic वाला AAS atomic absorption spectroscopy हम use करते हैं cadmium को straight कितना cadmium उसे trace करने के लिए so next one is answer C हम velocity of gases को hot gases को reduce करके उसका जो नॉइज उसका जो इम्पैक्ट उसका जो थर्मल एनर्जी उसे हम रिड्यूस करते हैं नॉइज लेवल को रिड्यूस करते हैं थर्मल एनर्जी को रिड्यूस करते हैं ताकि मतलब हॉट गैसेस को हम चेक करते हैं ना तो थर्मल एनर्जी भी रिड्यूस होता है सो इसी दौरान हम यूज करते हैं मफलर कैसे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे पर यहाँ पे हम पहले सवाल का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं देखिए जो लीड एंड कैडमियम जो मेटल्स है उसको एनालिसिस हम करते हैं यूजिंग एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसको आप याद रखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन है नॉट ओनली इन फॉर लीड एंड कैडमियम के लिए बहुत सारे जगह पे हम AAS का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ट्रेस लेवल कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी मेटल ट्रेस अमाउंट में है ताकि हम उसे ट्रेस कर सकेंगे तो हम यूज करते हैं AAS को इसके अलावा फ्लेम एमिशन ओके फ्लेम एमिशन इज ड्यू टू इट्स रिलेटिवली फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय इंटर एलिमेंट इफेक्ट्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है हायर लेवल है इंटर एलिमेंट इफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं ओके इतना याद रख लीजिए और फ्लेम फोटोमेट्री तो आपको पता होगा फ्लेम फोटोमेट्री में इसका बहुत ही बड़ा सा रोल है इतना याद रखिए ओके फ्लेम फोटोमीटर में इसका बहुत बड़ा हाथ और भी एक ऑप्शन था ना अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी तो उसके बारे में भी जान लेते हैं ताकि कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप कर सकेंगे यूपी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है ना अल्ट्रा वायलेट रेज हम फ्रेम करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेंज का रेंज मैं पार्ट वन में बता चुका हूँ इट्स इन बिटवीन 200 to 400 और अल्ट्रा वायलेट ए बी सी सब कुछ है ना तो सबका नैनोमीटर आपको याद रखना ही पड़ेगा सबका वेवलेंथ आपको याद रखना ही पड़ेगा सो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बस ए बी सी ऐसा है ओके 200 टू 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ का हम लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट हम फ्रेम करेंगे उसी सॉल्यूशन पे उसी मटेरियल पे उसी सैंपल पे ओके सो क्या होगा एनर्जी
अब्सॉर्ब करेगा हमारे इलेक्ट्रॉन और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. सो व्हेन एनर्जी रिलीज होगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल पे आएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज होगा, तो उसी एनर्जी को स्पेक्ट्रोस्कोप में कैद किया जाएगा और हम डिटरमाइन कर सकेंगे कौन सा एलिमेंट कितना है सब कुछ. ओके सो इलेक्ट्रॉन्स अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन से मींस सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर पाई इलेक्ट्रॉन से मींस डबल बॉन्ड आप बोल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आप बोल सकते हैं, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. अगर एन इलेक्ट्रॉन से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड देखिए इट इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक. आपको वो सैंपल को डिस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो जैसे है वैसे रहेगा, सिर्फ एक्सरे उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा. जैसे कि आपको पता है एक्सरे हम लेते हैं ना, कोई भी बोन अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हम एक्सरे लेते हैं. यस एक्सरे का साइड इफेक्ट है बिकॉज इट्स ए आयनाइजिंग रेडिएशन. ओके अल्ट्रा वायलेट की तरह ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, ये एक आयनाइजिंग रेडिएशन. सो इसका साइड इफेक्ट अवेलेबल है, पर क्या करें ये इससे अच्छा मेथड और नहीं है. मतलब ये आसानी से बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और क्लियर पिक्चर ले सकता है. मैं इसलिए ये सारे एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इजीली रिलेट कर सको कि एक्चुअली थिंग्स क्या है. और सो एक्सरे हम किस लिए यूज करेंगे, इसलिए हम यूज करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए. कोई भी कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, सॉलिड कंपाउंड्स हो गया, उसको हम स्टडी करेंगे. उसका भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से एक्स आर टी का डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप देख सकते हैं. लाइट फोटोग्राफिक मेथड जो कि दो तरह के स्टडी होता है, ट्रांसमिशन मेथड या फिर बैक रिफ्लेक्शन मेथड, अदरवाइज ब्रैक्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर मेथड से आप स्टडी कर सकते हैं, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर मेथड. सो ये सारे के सारे एप्लीकेशन है, बहुत ही मतलब इजिली और बहुत ही आसान सा एप्लीकेशन है. आपको पता होगा क्योंकि हम एक्सरे यूज कर रहे हैं ना, सो नॉन डिस्ट्रक्टिव वाला है. क्रिस्टलाइन फेजेस, ओरिएंटेशन आप स्टडी कर सकते हैं, स्ट्रेन, ग्रेन साइज, फेस कंपोजिशन और एक वाइड स्कोप आपको मिल जाता है. एक्सरे पेनिट्रेट इजीली कर सकता है ना, इसलिए आपको एक वाइड स्कोप आपको मिल जाता है. ओके तो थिकनेस, थिन फिल्म्स, मल्टी लेयर्स, एटॉमिक अरेंजमेंट्स. ओके डिटेक्शन लिमिट 3% इन टू फेज मिक्सर कैन बी 0.5% वन सिंक्रोनाइज़. देखिए इसमें डिटेक्शन लिमिट की बात किया जाए, देखिए मैं तीनों रेडिएशन के बारे में एक और बात बताता हूँ, अल्फा बीटा गामा. देखिए ये जो अल्फा रेडिएशन है ये एक आप बोल सकते हैं ये स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है. ओके थिन स्किन से ये रुक जाता है, अल्फा पेनिट्रेशन नहीं कर सकता. ये 2-4 है, आपको पता ही होगा 2-4 मतलब एटॉमिक नंबर 2 एंड मास है 4. तो बीटा होता है -1, 0 मतलब इसका जो बीटा होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है. ओके सो जो भी है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बीटा इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं, ये क्या होता है स्किन को तो पेनिट्रेट कर देता है पर कोई भी डेंस बॉडी आ जाए, बोन आ गया या फिर कोई भी थिन मेटल आ गया तो बीटा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. गामा हैविंग हाई पेनिट्रेबिलिटी, तो ये गामा रेडिएशन से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये बॉडी में आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, डीएनए का मॉलिक्यूल चेंज कर सकता है, म्यूटेशन भी इस आसानी से कर सकता है. इसलिए गामा को प्रोटेक्ट करने के लिए, गामा रेडिएशन से बचने के लिए वी हैव टू यूज प्रोटेक्टिव सूट्स. इट कैन प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल या फिर थिक मेटालिक सीट. ओके थिन मेटालिक सीट से बीटा रेडिएशन से आप बच जाएंगे पर थिन मेटालिक सीट को गामा रेडिएशन पास कर सकेंगे. आप हल्क देखें ना, हल्क मूवी, सो हल्क मूवी में दिखा गया है गामा रेडिएशन का इम्पैक्ट. ऐसे मूवी के भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं. सो ये सारी चीज मैं किस लिए आपको बताया, ताकि आपको ये सारी चीज याद आ जाए कि डिटेक्शन लिमिट, पेनिट्रेशन लिमिट किसका कितना है और गामा का होता है 0.0 चार्ज 0 मास. मफलर के बारे में जान लेते हैं. जो ऑटोमोबाइल्स में हम बहुत ही ज्यादातर मफलर यूज करते हैं ताकि तीन चीजों से हम बच सकते हैं. पहले तो नॉइज, ओके जो इंजन से नॉइज होता है उससे आप बच सकते हैं अगर आपके मफलर काम कर रहा है कार में. ओके उसके बाद थर्मल एनर्जी जो हीट जनरेट होता है, ओके जो हीट जनरेट होता है उससे भी आप बच सकते हैं यूजिंग मफलर. उसके साथ ही साथ जो इंजन का कुछ कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि इंजन में अगर स्पार्किंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो इंजन रिलेटेड कोई भी समस्या है आप मफलर यूज करके बच सकते हैं. ओके
सो ये क्या होता है, मफलर का काम कैसे करता है? ऐसे दिखता है एक मफलर, एक इनलेट होता है, परफोरेशन होता है, आउटलेट होता है और रिजोनेटर चैम्बर होता है। तो मफलर एक्चुअली क्या करता है, हॉट गैसेस जो रिलीज होता है इंजन से ना, तो उसका वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है, ताकि क्या होगा, हीट रिड्यूस हो जाएगा तो इंजन का जो साइड इफेक्ट वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ पे इंजन का साइड इफेक्ट में क्या बोल रहा हूँ, इंजन का साइड इफेक्ट में ये बोल रहा हूँ कि पॉइजनस गैसेस जो रिलीज होता है इंजन से, जो अननेसेसरी हीट रिलीज होता है इंजन से, और जो पार्टिकुलेट मैटर या फिर कुछ भी इंजन से जो रिलीज होता है उससे हम उसे मेन साइड इफेक्ट कर रहा हूँ, तो वो होता है इंजन का सब वेस्टेज आप बोल सकते हैं। सो ये सारे सारे हेल्प करेगा ये सारे को रिड्यूस करने के लिए मफलर। ये कैसे करता है, ये हॉट गैसेस का वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। सो ये एक टिपिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं एक इक्विपमेंट जो है पे मफलर अटैच हुआ है कार में, ये होता है उसके साथ, मफलर के साथ कैटबैक, रिजोनेटर, कैटालिटिक कन्वर्टर, ये सब कुछ अटैच है। तो फिर आप पूछेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसमीटर क्या है, इसका सब काम क्या है हमारे इंजन में, कार इंजन में काम क्या है। देखिए पहले तो आप मफलर को याद रख लीजिए, हॉट गैसेस वेलोसिटी को रिड्यूस करके नॉइज पोल्यूशन कम करता है, ओके, थर्मल पोल्यूशन कम करता है, वो तो आपको पता है। उसके साथ साथ और क्या करता है, और ये कैटालिटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसमीटर क्या है वो भी हम देखेंगे। मफलर हमारे हीट एंड केमिकल से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, वो तो हमें पता है। और ये रियर साइड में होता है, जो मफलर है ना वो रियर व्हील के पास होता है, कोई भी कार, बाइक, ऑटोमोबाइल्स कुछ भी आप ले ले। उसके बाद देखिए एयर पोल्यूशन जो होता है, मैंने आपको बोला जो कार में एयर पोल्यूशन होता है, तो ये सारे डस्ट आते हैं, एयर पार्टिकल्स आते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए सेटलिंग चैम्बर्स भी हैं। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल में यूज होता है और ये ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इंडस्ट्रियल में ऐसे क्लीन करते हैं, पहले इनलेट के द्वारा बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट अंदर जाएंगे, उसके बाद जो ग्रेविटी की मदद से सेटलिंग हो जाएंगे, जो जो हेवी एयर पोल्यूटेंट्स वो सेटलिंग हो जाएंगे और क्लीन एयर आउटलेट के थ्रू जाएगा। तो उसी तरह जो ऑटोमोबाइल्स की अभी हम बात कर रहे हैं, कार की, बाइक की, सो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर अवेलेबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर में दो इलेक्ट्रोड अवेलेबल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो पोल्यूटेड एयर अंदर जाएगा और अकॉर्डिंग टू चार्जेस ये अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर चला जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर चला जाएगा और इधर कलेक्शन होगा, वो जो पोल्यूटेंट्स इधर कलेक्शन होगा और क्लीन एयर आउटलेट यहाँ पे क्लीन हो गया। पावर सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई इंजन से आएगा ना। सो ये होता है रिलेटेड टू ऑल मफलर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ये सारे सारे चीज यूज होता है, ये इंडस्ट्रियल में यूज होता है, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट मोर वीडियोस इन टाइम।